देश के करीब 19% स्कूलों में लड़कियों के लिए नहीं थे अलग से शौचालय। देश के 5 बड़े राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 50% स्कूलों में नहीं थे टॉयलेट। हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में टॉयलेट हो। नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया था ऐलान। प्रधानमंत्री ने एक साल के भीतर देश के सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाने का रखा था लक्ष्य। उनसे आग्रह करता हूं, एक साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। एबीपी न्यूज ने देश के 8 राज्यों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों का लिया जायजा। एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि क्या है इस समय स्कूल के टॉयलेट का हाल, क्या सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से बन गए शौचालय। सरकार ने स्कूलों में 4,39,000 शौचालय बनाने का रखा था लक्ष्य। इनमें 3 अगस्त तक 3,64,000 स्कूलों में शौचालय बनाने का काम पूरा हो चुका है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि जिन स्कूलों में शौचालय बन गए हैं वहां पहले के मुकाबले लड़कियां ज्यादा संख्या में पढ़ने लगी हैं। हालांकि एबीपी न्यूज को बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल भी मिले जहां शौचालय बन जाने के बाद भी बुनियादी चीजों की कमी के चलते छात्राओं को मुश्किल हो रही है। ऑपरेशन टॉयलेट। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने पहले संबोधन में उठाया था लड़कियों के लिए शौचालय का मुद्दा। मोदी ने कहा था कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए स्वच्छ शौचालय भी नहीं दे सकते। एक साल बाद कितनी बदली है लड़कियों के लिए शौचालय की तस्वीर। एबीपी न्यूज की खास पड़ताल और आगाज करते हैं बिहार के स्कूलों में आखिर क्या है हाल। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर दरियापुर का माध्यमिक विद्यालय। पिछले साल के मुकाबले इस साल इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या 1.5 गुनी से ज्यादा बढ़ी है। स्कूल की तरफ छात्राओं के बढ़ते इन तेज कदमों की वजह है स्कूल में लड़कियों का अपना नया टॉयलेट। एक साल पहले इस स्कूल में एक भी शौचालय नहीं था। दरियापुर की रहने वाली 10वीं क्लास में पढ़ने वाली अल्पना ने तो स्कूल छोड़ने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन जब से शौचालय बना है अल्पना नियमित रूप से स्कूल पढ़ने आती है। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि टॉयलेट्स ना होने की वजह से स्कूली छात्राओं को दिक्कतें होती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के दरियापुर ब्लॉक के एक हाई स्कूल में, जहां पर एक साल में एक टॉयलेट बना है, उससे बच्चियां जो है, यहाँ की छात्राएं जो है, उनको उनकी दिक्कतें कैसे हल हुई है उन्हीं से बात करते हैं। हाई स्कूल की कुछ छात्राएं जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जी, पहले टॉयलेट नहीं था तो खेतों में जाना पड़ता था, उसके बाद बारिश होता था तो पानी जम जाता था, तो और उसके बाद अंधेरे में भी उठना पड़ता था क्योंकि उसके बाद लोग आने जाने लगते हैं और बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती थी, और उसके बाद डर भी लगा रहता था कि कहीं खाने पर मक्खियां ना बैठ जाए, जो वो गंदे गंदे चीजों पे बैठती हैं, कि कहीं बीमारी ना कोई बीमारी हो जाए। उसके बाद स्कूल में भी टॉयलेट नहीं था तो यहाँ पे भी आते थे तो दिक्कत सहना पड़ता था क्योंकि पानी भी नहीं पी पाते थे कि कहीं टॉयलेट ना लग जाए। पीरियड्स के टाइम में भी बहुत दिक्कतें आती थी। अभी ये एक साल से बना है तो हम लोग आते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं कि कहीं चलो स्कूल में टॉयलेट तो है। उसके बाद घर पे भी, मेरे पहले टॉयलेट नहीं था, ये 2-3 साल से बना है तो अब बहुत अच्छा लगता है, टॉयलेट में जाते हैं। टॉयलेट बनने से सिर्फ अल्पना की जिंदगी ही नहीं, पूरे स्कूल की छात्राओं की जिंदगी बदल गई है। अल्पना की क्लास में पढ़ने वाली सोनी का कहना है कि उनके घर में तो अभी भी शौचालय नहीं है, लेकिन स्कूल में नया शौचालय बनने से उनकी कई परेशानियां खत्म हो गई हैं।
स्कूल में लड़कों के होने की वजह से वो बाहर भी नहीं जाती थी और घर पर सुबह 3 बजे उठकर शौचालय जाने को मजबूर थी। घर में जब आप रहती हैं तो आपको कितने बजे उठना पड़ता है शौचालय? 3 बजे। 3 बजे उठना पड़ता है। तो अभी अब जब स्कूल में बन चुका है तो उसमें कैसे कैसे आपको कंफर्टेबल महसूस होता है? जी, स्कूल आते हैं तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। पीरियड का भी समय होता है तो हम लोग चले जाते हैं, चाहे पानी वानी पीते हैं तो टॉयलेट लगता है तो चले जाते हैं। पहले बहुत सारी दिक्कत था, अब नहीं है। कहाँ देखे हो? दरियापुर के स्कूल की टीचर का कहना है कि उनके घरों में तो शौचालय है लेकिन स्कूल में न होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब स्कूल आना इनके लिए भी आसान हो गया है। टीचर जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि छात्राओं को जब स्कूल में नहीं था टॉयलेट उस वक्त कैसी दिक्कतें होती थी और अब कितना सुविधाजनक आपको भी लगता है और छात्राओं को भी लगता है। छात्राएं पहले बार बार आके हमसे पूछा करती थी, मैडम हम लोग कहाँ जाएं, प्रॉब्लम भी दिखा दी थी, शो करती थी, मैडम ये प्रॉब्लम है, पीरियड है या फिर और भी कोई पेट खराब है, इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई तबीयत खराब है। ये लोग पानी भी बहुत लोग कम पी के चक्कर, जब प्रार्थना रहते थे तो चक्कर आ जाया करती थी, लेकिन अब इधर में बहुत इन लोग को भी फायदा हो गया है क्योंकि लेडीज के लिए अलग से हम लोग बच्चियों के लिए अलग से बना दिए हैं कि अब ये तुम लोग यहाँ जाया करना। और हम लोग भी जो है पटना से आते हैं, हाजीपुर से आते हैं, हम लोग बहुत सारे इस विद्यालय में पटना की टीचर है, हाजीपुर की टीचर है, वो लोग खुद इतना अनकंफर्टेबल महसूस करती थी लेकिन अब इधर साल भर से बहुत अच्छा हो रहा है। का ये कहना है कि पहले जिस तरीके से दिक्कतें होती थी अब वो दिक्कतें उनको नहीं होती हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है, यानी कि पहले जैसे कि चक्कर आते थे, कई तरीके की बीमारियां पानी पीना पीने की वजह से होती थी, अब वो बीमारियां नहीं होती हैं, बच्चे अब स्वस्थ रहने लगी हैं, छात्राएं अब स्वस्थ रहने लगी हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज दरियापुर बिहार। पिछले साल शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान का असर कहें या इस अभियान के जरिए फैलाई गई जागरूकता का नतीजा कि देश की राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध है और अभी भी इस अभियान के तहत 177 और शौचालयों का निर्माण जारी है। देश की राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग का उत्कृष्ट विद्यालय, ये उन स्कूलों में से एक है जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत 6-7 महीने पहले लड़कियों के लिए 2 नए टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाए गए हैं। उत्तरी नगर निगम के इस स्कूल में 1200 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यूं तो इस स्कूल में शुरू से ही छात्र और छात्राओं के लिए 2 अलग टॉयलेट ब्लॉक्स थे लेकिन अब यहाँ 5 टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक में कम से कम 60 टॉयलेट सीट हैं। बहुत अच्छे टॉयलेट्स बने हुए हैं, बहुत साफ सुथरे टॉयलेट्स बने हुए हैं, हाइजीनिक हैं और कहीं टॉयलेट्स के मामले में, स्पेशली लड़कियों के टॉयलेट्स के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। बाकायदा स्वीपर्स हैं, उनकी साफ सफाई होती है, मेंटेनेंस होता है और हम पूरा ध्यान रखते हैं अपने टॉयलेट्स की सफाई पर, क्योंकि गर्ल्स हैं इतनी सारी, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, इतने सारे बच्चों ने, हमारे स्कूल में करीबन 1200 बच्चा है, इतने सारे बच्चों ने जाना है टॉयलेट्स में और वो बेसिक नीड है बच्चे की। हमारे बच्चे आते हैं स्लम से जहाँ कि उनको ना तो टॉयलेट्स की फैसिलिटी है ना उनको पता होता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, खुले में जाते हैं, तो हमारे स्कूल में आके वो सब कुछ सीखते हैं एक तरह से। हमारे टीचर्स भी उनको अच्छे से बताते हैं, फर्स्ट क्लास से शुरू कर देते हैं कि टॉयलेट मैनर्स क्या हैं। नए शौचालय बनने से इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बेहद खुश हैं। छात्राओं का कहना है कि नए शौचालयों में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। अनुष्का, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। ये बताइए, आपके स्कूल में टॉयलेट्स हैं? यस। कैसे टॉयलेट्स हैं? मेरे स्कूल में बहुत अच्छे टॉयलेट्स हैं, बहुत साफ हैं, हमारे टॉयलेट्स के नंबर बढ़ गए हैं और इससे हमें परेशानी भी नहीं होती, हमारी टीचर हमें तुरंत जाने देती है। मेरा नाम गोमती है। आपके यहाँ पे भी यही है, टॉयलेट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नो। कैसा है मतलब यहाँ पे टॉयलेट्स, कैसे हैं, साफ सुथरे हैं? यहाँ पर टॉयलेट बहुत साफ हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती है, हमें बहुत देर तक रुकना नहीं पड़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th A। कशिश, आपके स्कूल के टॉयलेट्स कैसे हैं? अच्छे हैं।
साफ सुथरे है और हैंड वॉश के लिए भी है और मैम हमेशा भेजती है। आपको जाने देते हैं? यस मैम। यहाँ पे टॉयलेट्स हमेशा से साफ रहे? यस मैम। खुशी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ ए। आपके स्कूल के टॉयलेट्स कैसे हैं खुशी? साफ सुथरे। कब से साफ सुथरे हैं? शुरू से ही। शुरू से ही। अच्छा घर पे पेरेंट्स कभी पूछते हैं कि स्कूल का टॉयलेट साफ है या नहीं? यस। क्या बोलते हैं? स्कूल के टॉयलेट साफ सुथरे रहते हैं। आप क्या बताते हो? बोलते हाँ। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कुल 1010 स्कूल हैं। हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था है। लड़कियों के लिए 6,396 शौचालय हैं, जबकि लड़कों के लिए 5,168 शौचालय हैं। इस समय 177 शौचालय का निर्माण चल रहा है। 15 अगस्त के बाद शालीमार बाग के बीबी ब्लॉक स्थित एक सरकारी स्कूल की तस्वीर बदली है। यहां लड़कियां कम से कम अब शौचालय के चलते स्कूल आने से इनकार नहीं करती। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। राजस्थान सरकार का दावा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण कराया गया है। क्या है स्कूल के शौचालयों पर सरकार के दावे की हकीकत? एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की एक खास पड़ताल। राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है ये आगरा राजमार्ग पर बावड़ी का सरकारी स्कूल। इस स्कूल में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में लड़कियों की संख्या आधी से भी ज्यादा है और यहाँ के प्रिंसिपल ने स्कूल में 2 नए शौचालय भी बनवा दिए हैं। मैंने यहाँ पर अभी बच्चों के लिए 2 मूत्रालय का 2 सेट लगाए और 1 बच्चियों का कराए। इससे पहले बच्चियाँ बाहर सड़क पे जाती थी। स्कूल की इमारत दान में मिली हुई है और अब दान दाता इसको वापस लेना चाहता है। स्कूल का भवन जर्जर हाल में है। अब देखिए वो शौचालय जिन्हें नया बनवाया गया है। पानी के बिना इन शौचालयों का हाल खराब है और ऐसे में इनका होना ना होना बराबर है। यास्मीन, इसी स्कूल में पढ़ते हो? कब एडमिशन लिया था? अभी अभी लिया था। स्कूल में टॉयलेट है, बाथरूम जाना हो तो आप इस्तेमाल करते हो? पानी आता है उसमें? नहीं, पानी नहीं आता। तो फिर कैसे काम में लेते हो? स्कूल में टॉयलेट है? हाँ। काम में लेते हो? नहीं। क्यों? क्यों? पानी नहीं आता। पानी नहीं आता, सही है, लेकिन बन गया लेकिन इसमें पानी नहीं आता। पानी नहीं आता, क्यों नहीं आता पानी? क्या पता, पानी की संख्या ही नहीं है तो पानी नहीं आएगा ना। इस स्कूल में नए बने शौचालयों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जयपुर के ही पालड़ी मीना इलाके के एक दूसरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों के 2 नए शौचालयों का निर्माण होने के बाद से छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। यहां दोनों शौचालयों का निर्माण स्कूल के विकास कोष और दान दाताओं के सहयोग से करवाया गया है। पालड़ी मीना के स्कूल में 2 टॉयलेट बनवाए गए हैं। जैसा स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला मीणा जी ने हमें बताया कि तकरीबन 20,000 से 22,000 रुपए का खर्चा हुआ है और जन सहयोग और स्कूल के विकास फंड की मदद से इन टॉयलेट्स को बनवाया गया है। ये टॉयलेट्स खासतौर पर छात्राओं के लिए है, यानी लड़कियों के इस्तेमाल के लिए है। इससे पहले इस स्कूल में जो टॉयलेट थे वो कॉमन थे। हालांकि इस स्कूल में छात्र और छात्राएं दोनों ही पढ़ते हैं, लेकिन कॉमन टॉयलेट जाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, खासतौर पर लड़कियों को झेलनी पड़ती थी। शर्मिला जी, स्कूल में टॉयलेट्स की क्या स्थिति है? 7 टॉयलेट है जिनमें से 2 अभी अभी बनाए हैं। मेरे से पहले जो प्रिंसिपल सर थे, मैंने अभी 3 तारीख को ही ज्वाइन किया है सर, तो उन्होंने बनवाने की कोशिश की है और उन्होंने बनाए भी है पूरे, तो 7 टॉयलेट है अभी हमारे यहाँ। जी, जैसा आपने बताया ये सामने है जो नए टॉयलेट। हाँ हाँ, सामने है। कितना इन पे खर्चा हुआ, किस तरीके से इसको? लगभग 20,000 के आसपास इसमें खर्च हुए होंगे। 20,000? हाँ। कैसे व्यवस्था? और वो विकास समिति होती है हमारी स्कूल की, उसी के थ्रू हम, या फिर कोई डोनेशन देता है तो उसके थ्रू करते हैं। जन सहयोग से और विकास फंड के जरिए आपने इनको बनाया। इस स्कूल में पहले से 3 शौचालय थे जिनका उपयोग स्कूल के बच्चे और स्टाफ करते थे, लेकिन नए बने शौचालय सिर्फ यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों के उपयोग के लिए हैं। बताओ, ये टॉयलेट अभी बने हैं? हाँ सर। पहले जो थे
फिर आपको कैसे जाना पड़ता था टॉयलेट अगर आप जाते थे? इतनी सफाई नहीं रहती थी, अब ठीक रहता। अब ठीक सफाई रहती? हाँ। तो पहले आप क्या करते थे जब आपको टॉयलेट जाना होता था? कभी तो चले जाते थे, कभी नहीं जाते थे। नहीं जाते थे। अच्छा, इनमें पानी वगैरह आता है? यस सर। पानी बिल्कुल सफाई भी रहती है? हाँ सर। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी टॉयलेट बनने के बाद? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नामांकन बढ़े हैं और करीब 150 के करीब नामांकन इस साल में बढ़े हुए हैं। और उनमें लड़कियों की संख्या की बात की जाए तो? लड़कियों के करीब 75% बच्चियां लड़के हैं बने यहाँ पर, यानी 150 में से 75%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है टॉयलेट बनाने का फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, फायदा हुआ। प्रधानमंत्री के दावे के बाद साल भर बाद क्या है उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हकीकत? लखनऊ से पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक ने। यूपी की राजधानी लखनऊ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है करौनी प्राथमिक विद्यालय। इस स्कूल में पांचवी तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए दो टॉयलेट हैं, लेकिन दोनों इस्तेमाल के लायक नहीं हैं। यहां पॉट टूटा हुआ है और हर तरफ गंदगी फैली हुई है। आज से करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय को लेकर के चिंता जताई थी और खास करके स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय हो ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही थी। लेकिन हालात क्या है एक साल बाद इसका जायजा लेने के लिए अभी हम लखनऊ के कोरोना एक प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हाई स्कूल की पढ़ाई भी होती है और इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल भी पढ़ाया जाता है। लेकिन टॉयलेट की अगर बात की जाए तो कहीं से बालिकाओं के लिए अलग से इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। यहाँ पर तीन यहाँ पर टॉयलेट हैं, तीन टॉयलेट में जो हालत उसकी है वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। आप ऊपर देख सकते हैं जो टंकी का हिस्सा है वो भी टूटा हुआ है, यानी टंकी भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पर आने जाने वाले जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं उनके लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं। मैम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर पहले कहा था, आपने भी सुना होगा, कि बालिकाओं के लिए अलग से टॉयलेट का इंतजाम किया जाएगा, क्या साल भर में कुछ ऐसा हो पाया? नहीं, जो पहले से बहुत चल रही है योजना उसी योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। मतलब जैसे चार दो यूरिनल और एक लेटरिन का था वैसे ही बॉयज का और गर्ल्स का उसी कॉमन में ही वैसे ही चल रहा है। और उसमें हम लोग ये कर देते हैं बालिकाओं का इधर जाना है और बालकों के लिए इधर है, वो लिखा देते हैं कि ये बालक का टॉयलेट है ये बालिकाओं का है। लेकिन अलग से कोई टॉयलेट नहीं, ऐसा कोई सेपरेट नहीं बनाया है। इसी गांव का हाई स्कूल यानी 9वीं और 10वीं के बच्चे पढ़ने आते हैं। बिल्डिंग नई है लेकिन दिक्कतें वही हैं। तीन टॉयलेट में सिर्फ एक में मजबूरन लड़कियों को इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर जूनियर हाई स्कूल के शौचालय में जाना पड़ता है। दो टॉयलेट ठीक नहीं है। इसकी शिकायत जब टीचर ने ठेकेदार से की तो ठेकेदार चाबी लेकर चला गया। करीब 3 महीने से ये दोनों टॉयलेट बंद पड़े हैं। नई सरकार में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए टॉयलेट के लिए क्या अलग इंतजाम किए गए हैं इसका जायजा लेने के लिए अभी हम कुरौनी के जूनियर हाई स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, प्राथमिक विद्यालय भी यहां पर है। और जो टॉयलेट के हालात की अगर बात की जाए तो टॉयलेट यहां पर बने जरूर है लेकिन वो भी उतने दुरुस्त नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया जा सके, ज़्यादातर में ताला बंद है। और जो जूनियर हाई स्कूल है उसका टॉयलेट ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो यहां पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका कहना है कि ठेकेदार की वजह से कुछ काम जो है इसमें कम रह गया था और चाबी भी इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से जो लड़कियां यहां पर पढ़ती हैं उनको ये टॉयलेट इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है, टॉयलेट वो इस्तेमाल नहीं कर पाती। हमारे साथ यहां के टीचर भी मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं मैम, ये जो टॉयलेट्स बने हुए हैं कितने टॉयलेट्स बने हुए हैं, कितने बच्चे यहां पढ़ते हैं? टोटल 3 टॉयलेट्स बने हुए हैं और बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 60 हैं यहां पे। क्या लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट का इंतजाम किया गया अभी तक? हाँ यहाँ पे अलग तो है लेकिन अभी क्योंकि जब हमें बिल्डिंग हैंड ओवर हुई थी तो वो टॉयलेट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, टूटे फूटे थे, तो हम लोगों ने ठेकेदार से कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक करा देता हूँ, तो हमसे चाबी ले गए और तब तक तो 2 वॉशरूम के लिए गए हैं, अब तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं और चाबी भी नहीं वापस लौटा गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी के स्कूलों में क्या है लड़के लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने का काम, क्या वाकई पूरा हो चुका है? वाराणसी का पिशाच मोचन स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय, यूनियन बैंक की मदद से इस स्कूल में नया शौचालय बनाया गया है। इस स्कूल में पहले छात्रों की संख्या लगभग 30-35 ही थी, लेकिन जब से यूनियन बैंक ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत इस शौचालय का निर्माण कराया है उसके बाद से बच्चों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई है।
इनमें बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। शौचालय तो यूनियन बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत यूनियन बैंक द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया, जिसके बाद बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या में वृद्धि होकर के 60-62 तक संख्या पहुंची है। अभी तो पर्याप्त तो हो गया है शौचालय। कितने बने? 4 में 2 यूरिनल है और 2 जो है टॉयलेट है। बच्चों को पहले से ज्यादा सुविधा मिल रही है? हाँ, पहले से ज्यादा सुविधा मिल रही है। शौचालय बन जाने के बाद से स्कूल के छात्र अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय जगतगंज में भी 4 नए शौचालय बनाए गए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 15 अगस्त तक देश भर के स्कूल्स में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के अपने भाषण में लक्ष्य पूरा होने का ऐलान कर सकते हैं। सरोज सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सरोज, क्या जानकारी है, क्या कह रही है सरकार, कितना लक्ष्य पूरा हो चुका है? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 4,10,000 के करीब लक्ष्य रखा गया था सारे एलिमेंट्री स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स में टॉयलेट्स बनाने के लिए, या फिर जो टॉयलेट्स ऑलरेडी हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है उनके मरम्मत के लिए ये लक्ष्य रखा गया था। और अगर आज के हम आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 8,991 बचे हुए हैं टॉयलेट्स बनाने, बाकी 57% कह सकते हैं कि ये आंकड़ा पूरा कर लिया गया है। लेकिन अभी 4 दिन का वक्त बचा हुआ है और डे टू डे बेसिस पर मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से, और निश्चित तौर पर 9,000 का ये जो आंकड़ा है उसके लिए 310 ऑब्जर्वर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं ताकि 15 अगस्त के पहले इसे पूरा कर लिया जाए। सारे फोटोग्राफ तक अपलोड कराए जा रहे हैं और पूरा संभव पूरी कोशिश की जा रही है मंत्रालय की तरफ से कि लाल किले के प्राचीर इस बार जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो उसमें लक्ष्य पूरा होने की घोषणा करेंगे। तो जैसा कि सरोज हमें बता रही थी कि महज 8,951 टॉयलेट्स बची हैं इस लक्ष्य को पूरा होने के लिए।